नमस्कार, एक बहुत अहम खबर रिया चक्रवर्ती से जुड़ी हुई। रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। रिया चक्रवर्ती के जो वकील हैं सतीश माने शिंदे, उनकी तरफ से ये जानकारी दी जा रही है। रिया चक्रवर्ती फिलहाल जेल में हैं, 6 अक्टूबर तक उन्हें जेल में रहना है, क्योंकि पिछली बार जब 22 सितंबर को उनकी पेशी हुई थी कोर्ट में, तब कोर्ट ने फिर से 14 दिनों के रिमांड पर उन्हें भेज दिया था और उसके बाद ये तय हुआ था कि 6 अक्टूबर तक रिया चक्रवर्ती जेल में रहेंगी। रिया चक्रवर्ती के साथ साथ शौविक चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर भी सुनवाई होनी है। रिया चक्रवर्ती ने एनसीबी को अब कोर्ट में जो दलील दी है वो मैं आपको बताता हूं, क्या दलील देकर रिया चक्रवर्ती बचना चाहती हैं। रिया चक्रवर्ती ने कोर्ट में बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, रिया चक्रवर्ती कोर्ट में कहती हैं कि सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत ही ड्रग लेते थे, बाकी उनके घर पर रहने वाला कोई भी मेंबर ड्रग नहीं लेता था। इसके आगे रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि कभी कभी सुशांत के प्रेशर देने पर वो बहुत कम मात्रा में ड्रग लेती थी। अब फिर से वर्ड पर आप गौर करिएगा, रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि कभी कभी सुशांत के प्रेशर देने पर बहुत कम मात्रा में वो ड्रग लेती थी। तो एक तरफ रिया चक्रवर्ती कहती हैं कि वो ड्रग नहीं लेती थी, फिर उसी स्टेटमेंट में अगली बार कहती हैं कि बहुत कम मात्रा में ड्रग लेती थी। अगर रिया चक्रवर्ती ड्रग नहीं लेती थी तो जो ड्रग पैडलर्स के साथ उनके जो चैट सामने आ रहे हैं, जिसमें दीपेश सावंत का नाम बताया जा रहा है, सैमुअल मिरांडा का नाम बताया जा रहा है, और वो ड्रग चैट तो सबके सामने, दुनिया के सामने है, तो और उस ड्रग चैट में रिया किस एमडीएमए की बात कर रही हैं, किस हैश की बात कर रही हैं, किस बड की बात कर रही हैं, ये तमाम सवाल रिया चक्रवर्ती के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। एनसीबी का दावा है, और हम बार बार ये आपको बता रहे हैं कि जो एनसीबी के चीफ हैं, जो एनसीबी के डायरेक्टर हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने आउटलुक को कुछ दिनों पहले एक इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि रिया चक्रवर्ती का मामला देखने में छोटा लग रहा है, लेकिन इसे छोटा मत समझिएगा, इस मामले के तार इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े हो सकते हैं। उन्होंने पहले ये आशंका जताई थी। आउटलुक की मैगजीन में ये पूरा इंटरव्यू है, आप चाहें तो जाकर उसकी वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। लेकिन अब रिया चक्रवर्ती ये दलील दे रही हैं, और रिया चक्रवर्ती बचने के लिए अपना रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। वो लगातार ये भी दलील दे रही हैं कि उनके पास से सिर्फ 10 ग्राम जो भी इलीगल चीज़ है वो मिली हैं, ड्रग्स मिले हैं, तो ऐसे में उस पर कोई केस नहीं बनता, इसलिए उन्हें जमानत दे दी जाए। अब बॉम्बे हाईकोर्ट में आज जब सुनवाई होगी तो रिया चक्रवर्ती की इन दलीलों को कितना आधार मिलता है, कितना बल मिलता है, कोर्ट इन दलीलों को कितना मानता है, और क्या रिया चक्रवर्ती को कोई राहत मिलती है, ये देखा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी।